नहीं, बस पांच बार नमाज पढ़ो, फिर जो मन मा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में ठाके लाओ, चाहे जो भी पाप करने करो, वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा, बस नमाज पढ़ो बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखा, नमाज पढ़ो जो मनमाए वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। ईसाई क्या सिखाते हैं, बोले बस वो चर्च में जाओ, उठे चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ, और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और उनका स्वर्ग का मतलब, स्वर्ग का मतलब है तखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की, और जन्नत में क्या मिले, जन्नत में हुर मिले और उठे दारू पीने की मिले भाई। ऐसो ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है, लेकिन फिर भी लोग मूछ कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे, और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है, लोग इसी चक्कर में पड़े हुए। और ईसाइयों में बोले एक वो इधर क्रॉस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा सी बना रखी है, कुछ छोटे मोटे कुछ उन्होंने बना रखे, जैसे हमारे यहाँ स्रोत सूत्र मंत्र होते हैं, ऐसे उनके भी कुछ होंगे, आए थे पाए थे। मैं किसी के बारे में कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़े हुए। कोई कहता है पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करेंगे, कोई कहता है पूरी दुनिया को ईसाइयत में तब्दील करेंगे। मैं कहता हूँ भाई करके करोगे कि वो तो बताओ, कोई एजेंडा नहीं,